ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सम, ये जो सम है आर इज इक्वल टू 0 टू k, 10 CR, इसका मीनिंग पता है, हमने देखा है कि 10 CR होता है इनटू 20 CK माइनस आर इज मैक्सिमम। नाउ इफ यू सी हियर, ये जो है एक्चुअली है क्या, ये समेशन को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, आर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा, 10 C0 क्या 20 C K प्लस 10 C1 20 C K माइनस 1। अब तो कहां तक जाएगा ये, 10 C K तक जा रहा है, तो 20 C0 आ जाएगा क्योंकि तो R की जगह क्या रखूंगा, K रखूंगा ना, ये 0 आ जाएगा, ये K हो जाएगा। तो ये तो क्या बाइनो बाइनो ही है, सम कॉन्स्टेंट आ रहा है क्या, पहले सम तो फाइंड आउट करें बाद में मैक्सिमम कर देंगे के। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 C K, क्योंकि 10 प्लस 20 30 C, जो भी सम आ रहा है वो 30 C K, ये किसकी वैल्यू हो गई, इस सम की। अब ये मैक्सिमम कब होता है, ये हो गया 10 CR इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू एन बाई टू, जब एन इवन होता है तो दिस विल बी मैक्सिमम, याद है ना, मैक्सिमम व्हेन के इज इक्वल टू व्हाट, 15। तो जब के 15 होगा, मीन्स ये आर इज इक्वल टू 0 टू 15 में ऐड करूंगा तो ये सम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी तक क्या था, बाइनो बाइनो में सब जगह क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। अब अगर अल्टरनेट प्लस और माइनस चलता है तो वो सॉल्व करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, इसके पैरेलल पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू 50 100 CR 200 C 150 प्लस R। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले या तो पूरा क्या करें, इसको समेशन फॉर्म में लिख दें, या फिर समेशन फॉर्म में लिखने के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पे देखें 150 प्लस 2 आर आ रहा, मीन्स आर पे डिपेंड कर रहा है सम, तो किसी एक में प्रॉपर्टी लगा दें, किसी एक में क्या करें प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दें। तो ये जो है आर इज इक्वल टू 0 टू 50, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली देखो ना, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो क्या रख के आ रहा था, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, डायरेक्टली क्या 10 प्लस 20 30 C K, तो 100 CR, इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूँ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो 200 C, 200 में से माइनस किया तो 50 माइनस R। अब देखो, अब सम कांस्टेंट आ रहा है क्या, आर और 50 माइनस R, आर प्लस 50 माइनस R क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, इसको तुम एक्सपेंड करके लिख दो, क्योंकि बाद में भी प्रॉपर्टी तो अप्लाई करना ही पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 200 दैट इज व्हाट, 300 C, सम क्या आ रहा है 50, तो दिस विल बी द आंसर। अब तुम क्या, अगर फर्स्ट में प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 300 C 250, क्योंकि उस केस में सम जो है 250 आ जाएगा, उससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। अब अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आता है तो बाइनो बाइनोमियल सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सपोज यहाँ पे NC0 NCR माइनस NC1 NCR माइनस 1 प्लस NC2 NCR माइनस 2। अब तो कहां तक जा रहा है ये, NCR NC0। ठीक है, और ये आएगा यहां पे -1 की पावर R, -1 रेस्ट टू द पावर R, इसको अलग से लिख लो, प्लस
माइनस वन रेस टू दी पावर एन सी आर एन सी जीरो, ठीक है ओके। अब यहां पे देखो ये जो है इसका सम तो जो है सेम आना ही चाहिए, ये जो है जीरो प्लस आर वन माइनस वन प्लस आर माइनस वन टू प्लस आर माइनस टू एंड सो ऑन, और ये एन भी सेम होना चाहिए दोनों के लिए। अब ये वेरिएबल अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों सेम होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि यहां पे हमें एक टर्म देखना पड़ेगा वन प्लस एक्स की पावर एन, और दूसरी टर्म देखना पड़ेगी वन माइनस एक्स की पावर एन, अल्टरनेट प्लस माइनस है ना। तो अब हमें जो देखना पड़ेगा ये जो होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर जो भी सम आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है सम देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन वन माइनस एक्स रेस टू दी पावर एन, तो दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर एन। इसके एक्सपेंशन में हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर देखना है, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में हम कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर देख सकते हैं, क्या करेंगे इसके जनरल टर्म लिख देंगे, ठीक है इसके जनरल टर्म लिख के हम फिर सॉल्व कर लेंगे ओके। इसको बेस्ट कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, अब ये कैसे आता है वो अभी हमने नहीं देखा है, इस पर बेस्ट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट टू एन सी जीरो स्क्वायर माइनस टू एन सी वन का स्क्वायर प्लस टू एन सी टू का स्क्वायर माइनस टू एन सी थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस एंड सो ऑन अप टू टू एन सी टू एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो बाइनो बाइनरी, पहले अलग अलग कर ले इनको, क्या होगा ये टू एन सी जीरो टू एन सी जीरो माइनस टू एन सी वन प्लस C2 2n C2 माइनस प्लस 2n C 2n 2n C 2n, ये लिख दिया हमने। अब देखो ये जो सम है वो सेम नहीं आ रहा है, जीरो है यहाँ पे, टू है यहाँ पे, फोर एंड सो ऑन, तो किसी एक में प्रॉपर्टी पहले लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्या होगा 2n सी जीरो टू एन सी टू एन माइनस टू एन सी वन टू एन सी टू एन माइनस वन प्लस टू एन सी टू टू एन सी टू एन माइनस टू माइनस प्लस एंड सो ऑन टू एन सी टू एन टू एन सी जीरो। अब देखो अब सम जो है वो सेम आ गया सबके लिए, सम क्या आ गया है टू एन आ गया है, तो हमें जो है हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी व्हाट कोफिशियंट ऑफ वन माइनस वन प्लस सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर टू एन, क्योंकि सम जो है टू एन आ रहा है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन एंड वन माइनस एक्स की पावर टू एन। तो जो कोफिशियंट आएगा उसके लिए देखो ये एक्चुअली है क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर टू एन, अब इसमें एक्स टू दी पावर टू एन का कोफिशियंट देखना है तो पहले क्या करें इसकी जनरल टर्म लिख लें, इसकी जनरल टर्म मीन वही आर प्लस वन टर्म, क्या होगा टू एन सी आर, एक कम होता है ना वन की पावर तो टू एन माइनस आर आएगा तो वो वन ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो x टू दी पावर टू एन का कोफिशियंट चाहिए मीन टू आर किसके इक्वल होना चाहिए, या पहले क्या करो कॉन्स्टेंट टर्म अलग करो टू एन सी आर माइनस वन की पावर आर x टू दी पावर टू आर। तो यहां पे देखो x टू दी पावर टू एन का कोफिशियंट चाहिए तो टू आर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए टू एन, आर क्या आ गया एन, आर अगर एन आ गया तो कोफिशियंट क्या आ जाएगा 2n c n माइनस वन की पावर n, तो ये जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा
2n cn minus 1 की पावर n, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूं, अल्टरनेट प्लस माइनस अगर है तो, अल्टरनेट प्लस माइनस अगर है तो इन दैट केस एक तो आएगा 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर जो भी ये है, और दूसरा होगा 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर ये, और ये सेम रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर आर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर पावर जो डिफरेंट हो गई तो। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू डू, पहले सम देख लो क्या है, सम जो भी आ रहा है अल्टरनेट प्लस माइनस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर ये जो भी है उसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर जो भी सम है वो फाइंड आउट कर लो, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, अब जो है हम उसका प्रूफ देख लेते हैं जो हमने डायरेक्टली यूज किया था ना, क्या था, एम सी जीरो एन सी आर प्लस एम सी वन एन सी आर माइनस वन प्लस एम सी टू एन सी आर माइनस टू, अब तो कहां था ये एम सी आर एन सी जीरो, इसको क्या मैंने बोल क्या बोल दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस x रेस टू द पावर m प्लस। जब हमें प्रूव करना है तो देखो इसका प्रूफ क्या करें, 1 प्लस x रेस टू द पावर m का एक्सपेंशन लिखो पहले, m c1 x प्लस m c2 x स्क्वायर एम सी आर माइनस टू एक्स की पावर आर माइनस टू एम सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन एम सी आर एक्स की पावर आर एम सी आर प्लस वन एक्स की पावर आर प्लस वन एंड सो ऑन अप टू कहां तक, एम सी एम एक्स की पावर एम। सिमिलरली 1 प्लस x रेस टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन देखो 1 प्लस x रेस टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें तो क्या होगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, फिर आएगा एन सी आर माइनस टू x की पावर r माइनस टू एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर r माइनस वन एन सी आर एक्स की पावर r एन सी आर प्लस वन एक्स की पावर r प्लस वन अप टू एन सी एन एक्स की पावर। अब देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, दैट विल इक्वल टू, ये सारी टर्म्स का प्रोडक्ट होगा आपस में, सारी टर्म्स का प्रोडक्ट होगा तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो इधर जो कोफिशियंट ऑफ एक्स होगा वही इधर भी कोफिशियंट ऑफ एक्स होगा, जो इधर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वही कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर होगा, इधर कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब जो होगा वही इधर कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, तभी तो क्या होगा दोनों टर्म्स इक्वल होगी ना। तो अब देखो हमें ये चाहिए, हमें क्या है ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए अब करेस्पॉन्डिंग कोफिशियंट देखो, एम सी जीरो ये रहा एम सी जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, एन सी आर, एन सी आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एम सी जीरो एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, फिर देखो एम सी वन ये वाले टर्म एम सी वन एन सी आर माइनस वन एन सी आर माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, प्लस एम सी वन एन सी आर माइनस वन ये x है वहां x माइनस सॉरी x टू द पावर r माइनस वन है तो अगेन क्या जाएगा x टू द पावर r आ जाएगा, फिर प्लस एम सी टू ये एम सी टू किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे ये होगा एम सी टू एन c
सी आर माइनस टू, अगेन ये तो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स टू द पावर आर माइनस टू, अगेन क्या जाएगा एक्स टू द पावर आर एंड सो ऑन। फाइनली एम सी आर, ये एम सी आर एन सी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, एम सी आर एन सी जीरो से मल्टीप्लाई होगा और एक्स टू द पावर आर। इसके अलावा देखो कोई भी टर्म का प्रोडक्ट करो एक्स टू द पावर आर नहीं आएगा इनमें, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं आपस में तो इन टर्म्स के अलावा कहीं भी एक्स टू द पावर आर नहीं आएगा इनके अलावा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो एक्स टू द पावर आर जो है कॉमन ले अगर हम तो एम सी जीरो एन सी आर प्लस एम सी वन एन सी आर माइनस वन प्लस एम सी टू एन सी आर माइनस टू, अब तो कहां तक है ये एम सी आर एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर। तो देखो इधर जो एक्स टू द पावर आर का कोफिशियंट होगा, इधर एक्स टू द पावर आर का जो कोफिशियंट होगा ये होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, मींस व्हाट, ये इक्वल होना चाहिए ना, यही तो हमें चाहिए। ये जो सम होगा दैट विल व्हाट कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, हमने वहां पे लिखा था। और ये क्या है तो कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इसके एक्सपेंशन में एम प्लस एन सी आर, हो गया प्रूफ। क्योंकि उसके अलावा तुम कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब आएगा, एक्स टू द पावर आर नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू फॉर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस होती जाएगी, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर रूल। रिमाइंडर रूल जो है इसमें एक्चुअली क्या है, किसी नंबर को हम अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ओके देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन दैट केस दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट, द क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेस टू द पावर 2011 इज डिवाइडेड बाय 7, 2 रेस टू द पावर 2011 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, इनका जो अप्रोच है से अप्रोच करते हैं, किससे डिवाइड करना वो देखो पहले, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो है ये या तो 8 में कन्वर्ट हो जाए या 6 में कन्वर्ट हो जाए, उससे क्या होगा, अगर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं 7 प्लस 1 कर दूंगा, या अगर ये 6 में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको क्या करूंगा मैं 7 माइनस 1 करूंगा। मीन्स ये जो है इसको हमें ऐसा लिखना है कि इसमें या तो मैं प्लस 1 करूं तो मिल जाए या माइनस 1 करूं तो मिल जाए, ठीक है। इसको ऐसा लिखना है हमें कि या तो ये 8 हो जाए या 6 हो जाए, ये जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उससे या तो एक ज्यादा रहे या एक कम रहे, वो क्यों कर रहे हैं अभी उसका रीजन समझ में आ जाएगा। तो देखो ये 7 तो ये क्या 8 हो सकता है 2 का क्यूब, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2 का क्यूब तो बाहर ले लो, ये जो 2011 है इसको लिख रहा हूं पहले मैं 2 रेस्ट टू द पावर 2011 है, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब तो हमें लिखना ही पड़ेगा 8, उसके बाद यहाँ पे पावर क्या बचती है, इंटू 1 2 बाहर आ जाएगा। ये देखो पहले इसको समझ लो, क्या किया मैंने 2 क्यूब लिख दिया 8, उसके बाद ये जितनी पावर हो सकती है वो लिख दिया और 2 को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है ओके। तो ये एक्चुअली इसको ही मैंने लिखा है, तो ये है क्या इफेक्टिवली 2 8 रेस्ट टू द पावर 6 7 0, 8 इन रेस्ट टू द पावर 6 7 0। तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, अब देखना 8 को मैं लिख देता हूं 1 प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 6 7 0
7 raised to the power 670. So this will be equal to 2 times. ये क्या होगा? 67030. ठीक है, रेस्ट टू द पावर, सॉरी 1 रेस्ट टू द पावर क्या 670 और 7 रेस्ट टू द पावर 0 आ जाएगा, प्लस 670C1, 7 की पावर 1, 670C2, 7 का स्क्वायर, अब तो कहां तक जाएगा ये 670C, 670, 7 की पावर 670. ठीक है, ये जो होगा दिस विल बी इक्वल टू, इफ यू सी फ्रॉम हियर, यहां से देखो 7 तो थ्रू कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम, ये तो क्या होगा 1 होगा, 670C0 क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 दैट इज व्हाट 2 प्लस 2 इंटू, यहां पे मैंने क्या किया 7 कॉमन लिया है, 7 मैंने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 670C1, 670C2, 7 अप टू 670C, 670, 7 रेस टू द पावर 669. ये तो क्या होगा 2 प्लस 14 टाइम्स के, ये जो भी है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये कोई भी एक नंबर आएगा, दैट इज व्हाट मैंने के ले लिया. ठीक है, तो देखो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना 7 से, 7 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या जाएगा 2. व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, यहीं से देख लो ना, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, ये भी नंबर डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है. ठीक है, केवल ये बचेगा, ये वैल्यू क्या होती है 1, 1 into 2, तो क्या बचेगा 2 will be the remainder. ठीक है, तो जो अप्रोच है वो समझ में आया कि नहीं, ये जो है इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है 7 प्लस 1 या 7 माइनस 1. अब ये 6 तो आ नहीं सकता, 2 की पावर करो, ठीक 8 ही आ सकता है. ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, तो इट विल बी सॉल्व करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेस टू द पावर 2003 इज डिवाइडेड बाय 17. ये देखो 17 है, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको हमें या तो 18 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या 16 में. तो ये क्या होगा 16 में कन्वर्ट हो सकता है, 2 की पावर इंक्रीज करते जाओ, 16 में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो ये जो अपना 2 रेस टू द पावर 2003 है इसको मैं लिख देता हूँ 2 रेस टू द पावर 4, 16 आ जाएगा 500 इंटू 2 का क्यूब, ऐसे कन्वर्ट होगा ये, तो 2 का क्यूब, ये तो 8 तो बाहर ही रहेगा, ये क्या होगा 16 रेस्ट टू द पावर व्हाट 500. अब क्या करें इसको, दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू, ये जो 16 है इसको क्या लिखना पड़ेगा 17 माइनस 1, 17 माइनस 1, या क्या करें 1 माइनस 17 लिख दो, पावर तो क्या है इवन है, पावर क्या है इवन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 17 की पावर 500 लिख दें, या फिर क्या करें 17 माइनस 1 वो भी लिख सकते हैं. ठीक, क्या लिखना है, या 17 माइनस 1 ही लिखना है 16 को, ठीक है वो लिख के सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 17 माइनस 1 की पावर 500. तो दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू क्या होगा 500 सी 0 17 की पावर 500, फिर माइनस 500 सी 1 17 की पावर 499, फिर प्लस 500 सी 2 17 की पावर 498, माइनस प्लस एंड सो ऑन, फिर आएगा 500 सी, ओके पहले माइनस आएगा ना 499 पे 17, फिर प्लस 500 सी 500 आएगा. इफ यू सी
ये जो टर्म है देखो कंप्लीटली 17 से डिविजिबल है, ये टर्म कंप्लीटली क्या होगी 17 से डिविजिबल है, चाहो तो 17 बाहर निकाल लें, ठीक है। तो क्या 17 इंटू 8 तो क्या होगा 8 इंटू 17 के, बाकी जो भी के बचेगा, प्लस 8 इंटू 500 सी 500 क्या होगा वो 1, ये 8 इंटू 1 दैट इज व्हाट 8, ये तो डिविजिबल है 17 से, व्हाट इज द रिमाइंडर, तो द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट 8, द आंसर विल बी 8। वो वैसे भी हम देख सकते थे कि ये 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये जो वैल्यू है ये और इसका प्रोडक्ट देख लो, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ये तो क्या आया 8, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो फाइंड द रिमाइंडर when 3 raised to the power 3n is divided by 26. Let's try it out. यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देखो क्या 26 है, तो ये जो है या तो मैं इसको 25 में कन्वर्ट कर लूं या 27 में कन्वर्ट कर लूं, तो ये 27 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा 3 रेस टू द पावर 3n को मैं लिख सकता हूँ 27 रेस टू द पावर व्हाट n, तो 27 रेस टू द पावर n को लिख सकता हूँ 26 पावर n, क्योंकि 1 प्लस या 1 माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा ये इसका एक्सपेंशन एन सी जीरो एन सी वन 26 एन सी टू 26 का स्क्वायर, अब तो क्या होगा एन सी एन 26 रेस टू द पावर एन। अब किससे देखना डिविजिबल हमें 26 से, तो ये जो टर्म है यहां से यहां तक देखो सब में 26 कॉमन आ जाएगा, मींस व्हाट ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 26 से, ये टर्म डिविजिबल है, ये टर्म डिविजिबल है, ये टर्म डिविजिबल है, केवल बचेगा क्या रिमाइंडर ये एन सी जीरो क्या 1, व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1। ओके फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो नंबर है 2 रेस टू द पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 is divisible by maximum number, so that maximum number we have to find out, वो maximum number find out करना है जिससे ये divisible होगा, ठीक है। अब maximum number find out करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करें, इसको तो लिखना पड़ेगा हमको, actually इसकी value क्या है, तो क्या 2 raised to the power 4n minus 15n minus 1, 2 raised to the power 4n इसको मैं लिख सकता हूँ 16 की power n माइनस 15 एन माइनस 1, फिर क्या किया मैंने 16 रेस टू द पावर एन को मैंने लिख दिया 1 प्लस 15 रेस टू द पावर एन, यहाँ 15 एन आ रहा था ना, तो 1 प्लस 15 एन लिख दिया, अगर यहाँ 17 होता सपोज तो मैं इसको 17 माइनस 1 लिखना पड़ता 16 को, वो इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ओके। यहाँ लिख दिया 1 प्लस 15 रेस टू द पावर एन माइनस 15 एन माइनस 1, अब इसका जो एक्सपेंशन है वो इधर देखते हैं, 1 प्लस 15 रेस टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो ये होगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन 15 प्लस एन सी टू 15 का स्क्वायर एंड सो ऑन, अब तो कहां तक एन सी एन 15 रेस टू द पावर n, ये माइनस 15 एन माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। नाउ इफ यू सी हियर ये वैल्यू क्या होती है 1 एन सी जीरो पता है तुम्हें, ये भी पता है एन सी वन क्या होता है n, ये 15 n हो जाएगा, ये मैंने वापस एज इट इज लिख दिया, वो इसलिए क्योंकि ये दो टर्म्स जो है यहाँ माइनस हो जाएगी ना, कैंसिल हो जाएगी, कहां से बचेगा एन सी टू से ये बचा, अब इनमें देखो 15 स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर यहाँ से भी 15 स्क्वायर क्या जाएगा 225, ये 15 स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये टर्म बचेगी,
अब यहां पे देखो, ये जो होगा ये तो कुछ इंटीग्रल वैल्यू होगी, NC2, NC3, 15 और ये सब क्या होगा, कुछ इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो वैल्यू मैंने k ज्यूम कर ली जो भी होगी, तो ये एटलीस्ट ये जो है ये क्या आएगा, 225 इंटू के, मीन्स ये मैक्सिमम 225 से तो डिविजिबल हो गई। तो ये जो है किससे डिविजिबल होगा, 225, ये किससे डिविजिबल होगा, 225 से, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इसको हमने 1 + 15 में ब्रेक इसलिए क्योंकि किया, क्योंकि यहाँ पे 15 था, अगर यहाँ 17 होता तो इसको हमें 16 को 17 - 1 में ब्रेक करना पड़ता। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to the power 103 इज डिवाइडेड बाय 25, इज डिवाइडेड बाय 25। अब इसको क्या होगा, या तो 24 में लिखें या 26 में लिखें, दोनों में ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या करें, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करें, 49, 49 को लिख सकता हूं मैं क्या, 50 - 1, 50 - 1 लिखूंगा तो 50 इज डिविजिबल बाय 25। तो इसको जो है क्या लिखें, 7 raised to the power 103, इसको मैं लिखना का 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 51 × 7। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या किया मैंने, एक्चुअली ये जो 25 था ये 24 और 26 दोनों में ही नहीं लिख सकते इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो, फिर देखो कि इसमें प्लस माइनस वन करने पे ये 25 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्क्वायर करो, 25 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, वन ऐड करने पे या वन सबट्रैक्ट करने पे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसका क्यूब करो और इसे क्या करो, पावर इंक्रीज करो। तो यहाँ पे 7² जो है 51 और ये 7 आ गया, तो इसको आई कैन राइट एज 7 × ये क्या हो 49, 49 को क्या लिखूंगा, 50 - 1 raised to the power 51, 49 को ऐसे लिख दूंगा ना मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 7 टाइम, ये जो होगा क्या होगा, 51C0 पावर 51, फिर माइनस 51C1 50 की पावर 50, फिर प्लस एक्सपेंशन लिख रहा हूं मैं अब इसका, 50 की पावर 49, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा 51C50। तो ये आ जाएगा 50 की पावर 1 - 51C51, दैट इज 50 की पावर 0, दैट्स इट। ठीक है, मीन्स हमें जो लिखना है, ये जो बेस लिखना है वो ऐसा लिखना है कि उसमें प्लस या माइनस वन करने पे 25 से डिविजिबल हो जाए, या जो भी गिवन नंबर था उससे डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब देखो ये जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स, तो इसमें से तो थ्रो आउट क्या आ जाएगा, 50 कॉमन आ जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 7, ये 50 times k - 51C51, वो क्या होगा 1, ये तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 7 × 50k - 7, ये जो नंबर है। अब देखो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 50 से, -7, अब रिमाइंडर तो -7 होता नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर -7 नहीं हो सकता, तो इसके लिए व्हाट यू डू, इसको तुम ऐसे लिखो 7 × 50k + 25 + क्या होगा 25, तो -7 चाहिए ना हमें, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस 25 की जगह प्लस, इसको हम लिख देते हैं इस
इसमें 25 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 25 मुझे सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ओके वन मिनट, -7 आ रहा है, तो -7 के लिए इसमें क्या करता हूँ मैं 25 ऐड भी कर देता हूँ, 25 सबट्रैक्ट भी कर देता हूँ, तो इफेक्टिवली हमें क्या चाहिए -7। तो इसमें से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से 25 कम कर दो इसमें से। ओके यू कैन से दैट 7 इंटू 50 के -25 +25 -7, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो 7 इंटू 50 के -7 है, तो 7 इंटू 50 के ये रहा, उसमें से -25 कर दिया, अगर -25 किया तो +25 भी कर दिया, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। चलिए ये क्या, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 50 के -25 प्लस क्या आ गया 18 आ गया। तो ये जो नंबर है ये देखो कंप्लीटली डिविजिबल है 25 से, ये जो नंबर है 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 18। तो इन दिस केस द रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 18, दैट विल बी द आंसर।